अनुभव। फिर हमने साजन का संबंध रखा, तो पहले लगा कि साजन के संबंध में बुद्धि तो चलती नहीं, क्या हमें अनुभव नहीं था कि साजन के साथ या सजनी, वो चिंतन नहीं चलता था, माना क्या सोचे। तो भक्ति बहुत की थी, तो मुझे सीता पार्वती जैसे ना हिमालय है, मैं पार्वती श्वेत वस्त्र पहने हुए निर्मल पवित्र, और शिव मेरा साजन। और मेरा तो अभ्यास बहुत है, जब मैं दुर्गा का संकल्प करते ही जैसे ना मुझे अपना सूक्ष्म शरीर जैसे ना पूरा विशाल आकाश तक जैसे अष्टभुजा एकदम जैसे मैं ऊंची पहाड़ी पर हूँ, वो संकल्प करते ही वो स्वरूप जैसे ना, तो मैं पार्वती आत्मा, मैं आत्मा पार्वती, वो शिव मेरा साजन, मैं सीता, वो निराकार राम की मैं आत्मा सीता। आप हैरान होंगे, आप एक संकल्प जब ये अभ्यास वो अनुभव करोगे ना, तो मैं सीता हूं करते ही जैसे ना सब चिंताएं फिक्र समाप्त, मेरा वो निराकार राम बैठा है एकदम। आप जैसे ना एकदम, मैं आपको वो अनुभव क्या सुनाऊं, वो टेस्ट तो खाया हुआ ही, माना खाए हुए कोई पता होता है, वो वर्णन नहीं किया जा सकता। तो जब मैं सीता हूं शब्द और वो निराकार राम, और शिव को देह भान वाली सजनी पसंद नहीं है, उसको निर्मल स्वच्छ पवित्र आत्म अभिमानी सजनी चाहिए। देह भान की स्मेल से वो चला जाता है, आप सेकंड में देह भान में आओ वो चला जाएगा, है ना। देह भान, देह अभिमान की जो स्मेल है वो उसको पसंद नहीं है। जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, आत्मा देह भान से न्यारी, शिव उसके साथ है, वो शिव शक्ति बन जाता है कंबाइंड, ठीक है ना। तो आप सब शिव शक्तियां हैं ना, चाहे मेल बॉडी में आत्मा है तो भी पार्वती बन सकते ना भाई साहब। मैं सजनी शिव बाबा की, ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये अभ्यास और अनुभव ये बहुत सुख देते हैं।